हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद हर्षिदा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ घर पे ही बनाए हुए सांभर मसाले की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, ये मसाला बहुत ही फटाफट और जल्दी से बनकर रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट बाज़ार से जो हम सांभर मसाला लेके आते हैं उससे भी ज़्यादा दो गुना होता है। तो कितना मज़ा आए जब आप घर पे ही एकदम फ्रेश मसाला रेडी करके अपने बच्चों को जो चीज़ें बनाते हैं उसमें ये मसाले ऐड करें। चलो तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की सांभर मसाले की रेसिपी। तो यहाँ पे एक पैन में सबसे पहले हम दो बड़े चम्मच खड़ा धनिया ऐड करेंगे, इसी के साथ एक चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसके साथ एक चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे, साथ में एक चम्मच तुअर डाल लेंगे, दो बड़े चम्मच हम चना दाल ऐड करेंगे, एक चम्मच हम उड़द दाल ऐड करेंगे, इसी के साथ लगभग एक चम्मच हम इसमें राई ऐड करेंगे, लगभग 12 से 15 काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे, 12 से 15 करी पत्ते आप इसमें ऐड करेंगे और 12 से 15 हम इसमें खड़ी लाल मिर्च भी ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे गैस को करेंगे ऑन और इसको लो फ्लेम पर ही हमको सभी चीज़ों को अच्छे से इसको भुनना है। तो हमको इसको कब तक भुनना है दोस्तों, तो इसे भुनते भुनते हमें लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे क्योंकि हम इसे एकदम लो फ्लेम पे भुन रहे हैं। और ये लो फ्लेम पर ही हमें क्यों भुनना है, क्योंकि लो फ्लेम पे भुनने से हमारे जो मसाले हैं उसका स्वाद जो है वो एकदम निखर के आएगा। अगर हम हाई फ्लेम पे अपने मसालों को भुनेंगे तो क्या होगा, मसाले तो फटाफट से भुन जाएंगे लेकिन उसका ना स्वाद आएगा और हो सकता है हमारे मसाले जल जाए। तो आप सभी देख सकते हो दोस्तों, मसाले हमको भुनते भुनते लगभग 4-1 मिनट हो चुके हैं। तो अब इस स्टेज पे हमारे जो सारे मसाले हैं वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे लगभग 1 छोटी चम्मच मेथी दाने और इसको भी डाल के हम थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें रोस्ट करते रहना है। मुझे पता है दोस्तों आप लोग ये सोच रहे हैं कि हमें इसे कब तक रोस्ट करना है। तो एक तो हो गया हमारा टाइमिंग कि 5 से 6 मिनट, दूसरी तरीका ये है कि हम इस तरह से जो कड़ी पत्ता है या फिर मिर्ची है उसे उठा के हम देखेंगे, तोड़ के देखेंगे, या अगर आराम से टूट जा रही है तो इसका मतलब है कि हमारे जो मसाले हैं वो आराम से हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे मसाले हो चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, गैस को करेंगे बंद और इसे कर लेंगे एक प्लेट में ट्रांसफ़र और थोड़ी देर हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसे गरम गरम ही मिक्सर में नहीं पीसेंगे दोस्तों, हम इसे ठंडा करके ही पीसेंगे। तो इस तरह से हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो चुका है, तो हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सर के जार में। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड कर लेंगे। अगर आपने मसाला ज़्यादा लिया है बनाया है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप इसे 2 बार में पीस सकते हैं। अगर कम क्वांटिटी में आपने किया है तो आप इसे 1 ही बार में पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सभी मसालों को एक साथ पीस दूँगी। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारा जो मसाला है वो एकदम रेडी है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी बाकी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमने मसाला तो पीस लिया लेकिन मार्केट जैसा लुक देने के लिए हम इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लगभग 1 चम्मच हींग, यहाँ पे हमने 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है और 1 चम्मच हमने हल्दी पाउडर लिया है। वापस से ये सारी चीज़ें ऐड करके हमको क्या करना है, पीस लेना है। तो जैसे ही हम इन सब चीज़ों को ऐड करके पीस लेते हैं, आप देखोगे कि मसाले का जो कलर है वो काफ़ी निखर के आया है, एकदम मार्केट स्टाइल में सांभर मसाला आपको लग रहा है। तो इसका टेस्ट भी एकदम मार्केट
स्टाइल वाला सांभर मसाले जैसा ही होता है। तो अब हम इसे कर लेते हैं सर्व। ये देखिए, इस तरह से आप इसे एक ग्लास के कंटेनर में स्टोर करके आराम से, जिस तरह आप स्टोर करके रखते हैं फ्रिज में या बाहर, उस तरह से आप करके रख सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।